बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम यासीन अंजुम एंड दिस इज लेक्चर फॉर 9th। द टॉपिक इज मैट्रिक्स एक्सरसाइज रिव्यू। आज जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर चल रहा है वो क्वेश्चन नंबर रिव्यू का 3 है। क्वेश्चन ये था कि ए प्लस 3, 4, 6 एंड बी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, 4, 6 एंड 2 एयर। हमारी जो रिक्वायरमेंट है ए माइनस बी इज आवर रिक्वायरमेंट। वी वांट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आल्सो। दरअसल अब इसमें जो प्रोसेस चलने जा रहा है इसमें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का चल रहा है। हमने देखना है कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं और ये उसकी करस्पॉन्डिंग है। हमें पता है कि a प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, 4 4 के बराबर हुआ, 6 6 के बराबर है एंड b माइनस 1 इज इक्वल टू 2। जब भी हम किसी भी वेरिएबल की कीमत मालूम करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला जो फॉर्मल प्रोसेस है वो ये है कि वेरिएबल के साथ जो प्लस माइनस की वैल्यूज़ है उसका एंटी प्रोसेस यूज़ करना है। यानी अगर यहाँ पर प्लस का 3 है तो हमें दूसरी तरफ ही से क्या करना होगा, साइन चेंज करके करना है। ए इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 3 हेयर। हमें पता है, हम ये रोल पढ़ चुके हैं, व्हेन समथिंग इज कैरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ऑफ इक्वेलिटी सो वी हैव टू चेंज देयर साइन। हमने जैसे प्लस का 3 था उसे दूसरी तरफ ले गए, इक्वालिटी की दूसरी तरफ, हमने उसकी अलामत को बदला है। था प्लस में, जब दूसरी तरफ जग गया है हमने उसे माइनस लिखा है। हमने देखा कि दोनों आपस में सेम कांस्टेंट हैं, सेम साइंस हैं, हमने उन्हें ऐड किया है तो लिहाजा माइनस 6 ए इज इक्वल टू माइनस 6 था। अब एज इट बी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने कहा बी इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ऑल्सो। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर में ए इज इक्वल टू 2, 3, 1 एंड 0 एज इट बी इज इक्वल टू 5, -4, -2 एंड -1 है। ये इसमें सबसे पहले तो हमने देखा कि उसके पार्ट वन में 2 और 3 रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसे ये सारे सवाल इसी जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। कैसे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 आल्सो 2/3 इनटू 2a-3b है। अब 2/3 टू a की वैल्यू पुट करने लगे हो 1, 2, 3, 1 एंड 0, -3 में b की वैल्यू लिखते हुए 5, -4, -2, -1 है 2/3। रियल नंबर 2 मल्टीप्लाई होने जा रहा है a से, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 0, 0, -3 मल्टीप्लाई करोगे 5 3s are 15, -4 3s are 12, -3 2s are 6, -3 1s are 3 हेयर। अब 2/3 हमने बात पढ़ी थी कि जब भी कभी ब्रैकेट से पहले माइनस हो हम उसके अंदर की अलामतें बदल देते हैं। उसके अलावा जो प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन है वो यही है कि वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ लोअर वैल्यू। नीचे वाले मैट्रिक्स की अलामत को बदल देना है। वो कैसे, अब 4 -15, 6 ड्यू टू द साइन ऑफ माइनस वी हैव टू चेंज इन टू द पॉजिटिव सो इट बिकम प्लस 12, 2 + 6, 0 + 3 ऑल्सो। हमने लिखा 2/3 इन टू, अब ये दोनों डिफरेंट साइन की वजह से हमने उन्हें सब्ट्रैक्ट किया, पता चलेगा कि -11, 18, 8 और ये 3 है। अब इसमें पता चला 2 जो है मल्टीप्लाई होने जा रहा है 3 डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करते हुए -22/3, -36/3 आल्सो।
अब ये जब मल्टीप्लाई करोगे 4 8 2 16 ओवर 3, 2 3 6 ओवर 3 आल्सो। अब इनको जिनको सिंप्लीफाई किया जा रहा है, अब 3 1 3 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 आल्सो -22 ओवर 3 12 16 ओवर 3 एंड 2 आल्सो। ये हमारे पास एक आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर चलने लगा है 5। इंतहाई आसान सवाल है। कहता है x की वैल्यू मालूम करनी है, 2 1 3 minus 3 plus x is equal to 4 minus 2 minus 1 and minus 2 आल्सो। यहाँ भी वेरिएबल की कीमत मालूम करना चाह रहे हैं तो पूरे का पूरा मैट्रिक्स हमें दूसरी तरफ लेके जाना होगा। x इज इक्वल टू 4 minus 2 minus 1 minus 2 minus 2 1 3 minus 3 है। हमने लिखा x इज इक्वल टू 4 minus 2 minus 2 minus 1 minus 1 minus 3 minus 2। ड्यू टू द साइन ऑफ माइनस सो वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ पॉजिटिव आल्सो। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, हमने उसे प्लस बनाया है। x इज इक्वल टू 2 minus 3 minus 4 and 1 हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पहले जैसा मल्टीप्लाई की तरह है। वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज ओनली कन्फर्मेबल वेन द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, कि जब हमारे पास ए कॉलम ए मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद बी मैट्रिक्स की कतारों की तादाद के बराबर हो उसकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब बिल्कुल सेम उन्हीं जैसा है ये क्वेश्चन नंबर 7 में से कोई सा एक कर लेते हैं। कहा उसने ए इज इक्वल टू 3 2 1 minus 1 and b is equal to 2 4 minus 3 minus 5 है। ए बी का इन्वर्स मालूम करते हैं। आज आधा सवाल करेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर। दोनों मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं, सबसे पहले से मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 1 and minus 1 मल्टीप्लाई 2 4 minus 3 minus 5 है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे हमें पता है कि 3 multiply 2 plus 2 multiply minus 3, 3 multiply 4 plus 2 multiply minus 5 एज इट 1 multiply 2 minus 1 multiply minus 3, 1 multiply 4 minus 5 multiply minus 1 multiply 5 minus 1 multiply minus 5 मल्टीप्लाई हुआ 3 2 6 minus 6 12 minus 5 2 10 2 1 3 1 3 4 1 4 plus 5 1 5 है। 0 2 5 and 9 ये सारे का सारा ए बी के बराबर आया है। अब हमने इन्वर्स लेना था। दरअसल इन्वर्स के लिए हमें सबसे पहले ए बी का डेट लेना होगा। ए बी का डेट लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट? इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। कैसे भला? कि 0 multiply 9 minus 2 multiply 5, पता चला 0 minus 10 is equal to minus 10 आया है। उसके बाद एड जॉइंट लेना है, एड जॉइंट ऑफ ए बी। एड जॉइंट मीन टू चेंज द प्लेस वैल्यू ऑफ डायगोनल एंट्रीज एंड ओनली साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। हाउ इज दिस? 9 0 minus 2 minus
5, हमने कहा ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू एड जॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डेट है 9 - 2 - 5 and 0 over -10. इट मीन्स -9/10, -2/-10, -5/-10 and 0 also. ये माइनस माइनस से कट गया, 5 - 5, 5 - 2 - 0, -2 - 2, 5 - 0, पता चला कि -9/10 and 1/5, 1/2 and 0, ये हमारे पास ए बी का होल इनवर्स है। अब इसका जो उसकी दूसरी राइट साइड है उसमें उसने कहा था कि बी इनवर्स ए इनवर्स है। सबसे पहले हमें बी का डेट लेना होगा, फिर ए का डेट लेंगे, एड जॉइंट लेंगे, फिर उसके बाद बी के एड जॉइंट पर हमने डेट को डिवाइड कर देना है एज इट। ए के एड जॉइंट पर ए के डेट को डिवाइड करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा। इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ब्लेस यू लॉट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।